भारत के पश्चिम क्षेत्र में दमनगंगा नदी के किनारे प्रकृति की गोद में बसा संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली आदिवासी संस्कृति की धरोहर के साथ कुदरती वातावरण में संघ प्रदेश पर्यटन स्थल के तौर पर काफी आकर्षित करता रहा है, जिसके बीच में बसा है संघ प्रदेश की राजधानी सिलवासा शहर। औद्योगिक विकास और प्रवासन के चलते दुकानदारों, व्यापारियों और लोगों द्वारा प्लास्टिक का उपयोग बढ़ने लगा और उसके कारण ये सुंदर धरती सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे जहर से प्रदूषित होने लगी। प्लास्टिक एक ऐसा तत्व है जो न धरती में खुलता है, न पानी में पिघलता है और जलाने पर जहरीला धुआं छोड़ता है, जिसके कारण धरती पर रहने वाले सभी जनजीवन को नुकसान पहुंचता है। इस प्लास्टिक के उपयोग से और वैज्ञानिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ना होने से ये प्लास्टिक नालियों को बंद करने लगा, नदियों को प्रदूषित करने लगा और जमीन को बंजर करने लगा। इस प्लास्टिक नामक दानव से लड़ने के लिए दादरा नगर हवेली प्रशासन और सिलवासा नगर पालिका ने सक्षम कदम उठाए हैं। सबसे पहला कदम था प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाना और लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना। इस हेतु विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि स्वच्छता रथ का शुभारंभ, स्वच्छता रैलियां, दादरा नगर हवेली में स्वच्छता ड्राइव का आयोजन, प्लास्टिक फ्री भारत हेतु शपथ ग्रहण, कचरा बिनने वालों का पंजीकरण और नुक्कड़ नाटक इत्यादि। इस क्रम में 2500 से अधिक जुर्माने लगाए गए और 7620 किलो से अधिक प्लास्टिक थैलियों को जब्त किया गया। पर शायद ऐसा करना काफी नहीं होता अगर सिलवासा विस्तार में सिलवासा नगर पालिका ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प में 15,000 से अधिक कपड़े की थैलियों को लोगों में न बांटा होता। साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी भी बनाए गए और प्लास्टिक थैलियों के वितरण को निषिद्ध कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कदम था घर घर से गीले और सूखे कचरे को अलग अलग इकट्ठा करना। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हर जगह व्याप्त प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए एक जगह इकट्ठा नहीं किया जा पाता। इस कदम को सुनिश्चित करने हेतु 28,000 से अधिक डस्टबिन भी वितरित किए गए। ये कचरा आज सिलवासा नगर पालिका द्वारा प्रोसेसिंग प्लांट में पहुंचाया जाता है, जहां पर गीले कचरे से खाद बनाई जाती है और सूखे कचरे से रिसाइकलेबल प्लास्टिक को अलग कर दादरा नगर हवेली में स्थित ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स को दे दिया जाता है। इसे रिसाइकल किया जाता है और इससे कई उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं और नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक को रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल के रूप में सीमेंट बनाने वाले उद्योगों तक पहुंचाया जाता है, जहां इस प्लास्टिक का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आज हम सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्रम में प्लास्टिक के साथ साथ पर्यावरण के लिए हानिकारक अन्य उत्पाद जैसे कि थर्मोकोल से बनी वस्तुएं, पीओपी, प्लास्टिक ग्लास, स्ट्रॉ, डिश इत्यादि पर भी प्रतिबंध लगाने हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज में सुधार करके सिलवासा नगर पालिका ने नए उप नियमों को प्रकाशित कर दिया है। हमें ये बताते हुए गर्व है कि दादरा नगर हवेली के प्लास्टिक प्रबंधन के कदम सिर्फ इस क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर प्लास्टिक के विभिन्न उत्पादों को रिसाइकल करने वाले कई उद्योग हैं, जहाँ पेट बॉटल्स, पाइप्स, प्लास्टिक जंबो बैग्स इत्यादि रिसाइकल होते हैं और उनसे फाइबर्स, ग्रेन्यूल्स और प्लास्टिक के कई अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। ये उद्योग प्रतिदिन 60 टन से अधिक प्लास्टिक बॉटल्स, 1.5 टन पाइप और 3.5 टन प्लास्टिक बैग्स, 1.5 टन हाउसहोल्ड आर्टिकल्स इत्यादि रिसाइकल करते हैं। इन विशेष प्रयासों के माध्यम से दादरा नगर हवेली और सिलवासा नगर पालिका स्वच्छ भारत में एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर है जो है स्वस्थ, सुंदर, हरित, विकसित और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त।